द नॉलेज की एक्सप्लोरेशन सीरीज में आपका स्वागत है दोस्तों। इस एपिसोड में हम जानेंगे दुनिया के सबसे बड़े और विराट पर्वत माउंट एवरेस्ट के बारे में। माउंट एवरेस्ट तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये ऊंचाई इतनी है कि जहाँ पर सांस लेने योग्य पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं है। इतनी ऊंचाई पर बहुत ही पतली हवा और खून को जमा देने वाली ठंड होती है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि इस विराट और भव्य पर्वत को खोजने में दुनिया के वैज्ञानिकों ने सालों गुजार दिए और उसकी ऊंचाई की योग्यता साबित करने में भी बहुत संघर्ष करना पड़ा है, तथा इस पर्वत के नाम को लेकर भी कई विवाद हुए हैं। तो चलिए शुरुआत से जानते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में। 1850 की बात है, जब माउंट एवरेस्ट का नाम दुनिया के सबसे ऊंचे शिखरों में नहीं लिया जाता था, तब दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर कांचनजंगा को माना जाता था। उस समय पर्वतों की ऊंचाई नापने के लिए त्रिकोणमिति के साधनों का उपयोग किया जाता था, जो इतना सटीक भी नहीं था। ऊपर से एवरेस्ट के आसपास के पहाड़ लोहत से, मकालू और नृप्त से उसे थोड़ा ढक देते थे, जिसके कारण एवरेस्ट या जिसे शिखर नंबर 15 भी माना जाता था, उसकी सटीक ऊंचाई का अनुमान लगा पाना जरा मुश्किल था। सर्वे ऑफ इंडिया की अंग्रेजों की एक टीम को थोड़ा डाउट लगा और उन्होंने हिमालय के सभी पहाड़ों को फिर से और थोड़ी और सटीकता से नापने की शुरुआत की। तब 1855 में जाकर शिखर नंबर 15 या यूं कहिए कि एवरेस्ट की ऊंचाई का अनुमान लगाया गया, और वो था 8,840 मीटर। ये आंकड़ा गलत था, लेकिन ये तो साफ साफ पता चलता था कि दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर अब एवरेस्ट है। ऊपर से एवरेस्ट का एक और विवाद था उसके नाम को लेकर। पहाड़ों का सर्वे करने वाले एक अंग्रेज ने, जिसका नाम था जॉर्ज एवरेस्ट, उसने अपने ही नाम से शिखर नंबर 15 को एवरेस्ट नाम दे दिया, जबकि वहां के स्थानिक नेपाली लोग तो उसे सदियों तक गौरी शंकर के नाम से जानते थे, अपितु नेपाल में उसे सागर माथा और तिब्बत की स्थानिक भाषा में उसे चोमोलुंगमा कहा जाता था। अब आप ही सोचिए दोस्तों, इस पहाड़ के स्थानिक नामों को छोड़कर किसी अंग्रेज के नाम से इसे पहचानना कितना योग्य है। चोमोलुंगमा और सागर माथा ये वहाँ की प्रजा के लिए भी स्थानिक नाम थे, और दुनिया का सबसे बड़ा शिखर भी उनके लिए वहाँ का स्थानिक ही था। फिर भी स्थानिक प्रजा के जज्बातों की अवगणना कर इसे एक अंग्रेज अफसर का नाम दे दिया गया। अब और एक दिलचस्प और पते की बात सुनो। जॉर्ज एवरेस्ट जब तक जिंदा रहा, तब तक तो उसे ये बहुमान मिला नहीं, क्योंकि 1866 में जब उसका अवसान हुआ, तब तक तो हर नक्शे में दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर के नाम पर गौरी शंकर का उल्लेख होता था, और सालों बाद यही क्रम रहा। लेकिन 1930 में कैप्टन वुड नाम का एक भौतिक शास्त्री ज्यादा अनुकूलित साधनों के साथ गौरी शंकर पहाड़ के विश्लेषण के लिए जब उसके और नजदीक गया, तो मालूम हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े पर्वत से तो गौरी शंकर की चोटी थोड़ी नीची है, और इन दोनों पहाड़ों में 55 किलोमीटर का अंतर है। इस तरह यह साबित हो गया कि गौरी शंकर से भी ऊंचा और उससे अलग और एक पहाड़ मौजूद है, जिसे अब तक लोग शिखर नंबर 15 के एक ही तराजू में तोलते आए थे। और फिर से इस अलग नए पहाड़ को माउंट एवरेस्ट नाम दिया गया, जिसे वास्तव में स्थानिक नाम सागर माथा या चोमोलुंगमा दोनों में से एक देने की जरूरत थी। अब सवाल ये है कि इस विराट और विराज पहाड़ की सही पहचान करने में इतने साल क्यों लग गए? तो कारण ये थे कि एवरेस्ट तक पहुंचने के लिए या उसके आसपास जाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के अंग्रेज अफसरों को या तो नेपाल जाना होता या तिब्बत। प्रॉब्लम यह था कि उस समय तिब्बत में बाहरी दुनिया के आम आदमियों के लिए दरवाजे बंद थे, और नेपाल के राजा ये अच्छी तरह जानते थे कि अंग्रेजों ने व्यापार के नाम पे भारत में आकर क्या हाल किया है, इसलिए वो भी अंग्रेजों को हो सके उतना अपने देश के दरवाजों से बाहर ही रखते थे। हुआ यूं कि सन 1920 में पहली बार नेपाल और ब्रिटेन के बीच मित्रता खिली। भारत में ब्रिटिश राज लाने के बाद दक्षिण में सिलोंग या यूं कहिए कि श्रीलंका पर और पूर्व में म्यांमार या ब्रह्मदेश पर अंग्रेजों ने अपनी शिकंज कसी थी। इस हालात में नेपाल के राणा को भी अंग्रेजों का डर तो था ही। इस सब के बीच अंग्रेजों ने नेपाल को सार्वभौम राष्ट्र जाहिर कर दिया और नेपाल के प्रति मित्रता दिखाई, और शर्त ये रखी कि नेपाल के गुरखा सैनिक ब्रिटिश फौज में शामिल हो।
इसमें अंग्रेजों का सीधा सीधा स्वार्थ था। अंग्रेज ये चाहते थे कि किसी पराये देश के कसे हुए और जाबाज योद्धा उनके लिए लड़े। दूसरी तरफ नेपाल सुरक्षित रहे और राणा के राज पे भी कोई आंच ना आए, ये नेपाल के राणा की ख्वाहिश थी। इस करार के बाद अंग्रेजों के लिए नेपाल के दरवाजे खुल गए और उसी समय तिब्बत ने भी अपना साहस दिखाने के लिए विदेशी पर्वतारोहियों को मंजूरी दी। कई साहसी पर्वतारोही अपना साहस दिखाने के लिए और एवरेस्ट का जायजा लेने के लिए निकल गए। उस समय ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टाइम्स के आर्टिकल में फ्रंट पेज पर छपा कि कैन माउंट एवरेस्ट बी क्लेम, मतलब क्या हम इंसान कभी माउंट एवरेस्ट को सर कर पाएंगे। आज हम देखें तो वो न्यूज़पेपर का आर्टिकल बेतुका और गलत सा लगता है, क्योंकि अब तक लगभग 4,500 से भी ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा पर चढ़ चुके हैं और इस पहाड़ को सर करने में कई लोगों की जान भी गई है जो कभी एवरेस्ट से वापस नहीं आ पाए। कई लोग तो 95% पहाड़ को सर करने के बाद सिर्फ 5% चोटी दूर होने के बावजूद भी वहां से लौट आए, क्योंकि वहां पर वातावरण बहुत ही भयंकर, असामान्य और विपरीत रहता है। परिस्थिति इतनी विपरीत होती है कि इंसानियत की आखिरी सीमा तक परीक्षा हो जाती है और हालात तो वहां पर किसी के काबू में नहीं रहते। आइए एवरेस्ट के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एवरेस्ट को क्लेम करने वाले व्यक्ति थे तेनजिंग नोर्गे, जो मूल नेपाल से थे, और उनके साथ ही थे एडमंड हिलरी, जो न्यूजीलैंड से थे। इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट को सन 1953 में सर किया था। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाले सबसे पहले भारतीय थे अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह ने 1965 में माउंट एवरेस्ट को सर किया था। और एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली सबसे पहली महिला थी जुंको टेबी, जो मूल जापानीज थी, और उसने सन 1975 में माउंट एवरेस्ट को क्लेम किया था। 8,000 मीटर की ऊंचाई पर परिस्थिति बहुत ही खतरनाक होती है। यहाँ पर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके शव को वहीं पड़ा रहने दिया जाता है, क्योंकि इतनी विपरीत परिस्थिति में वहां से शव को वापस लाना इतना आसान नहीं है। कई पर्वतारोहियों को चढ़ाई करने के दौरान रास्ते में कई लोगों की लाशें पड़ी मिलती है, लेकिन वो लोग उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। एवरेस्ट की चढ़ाई में सबसे ज्यादा मौत शिखर के करीब के 800 मीटर तक के दायरे में होती है। इसे डेड जोन भी कहा जाता है। कई लोग तो चोटी पर चढ़ने के बाद वापस उतरने के समय मौत को भेट चुके हैं। एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए 19 अलग अलग रास्ते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का सबसे अच्छा वक्त है मार्च से मई तक का। इस समय बर्फ ताजा रहती है और परिस्थिति थोड़ी सी अनुकूलित होती है, लेकिन कठिनाई तो अब भी उतनी ही रहती है। इसे अब तक सफलता से सर करने वालों में एक 13 साल का लड़का, एक अंध व्यक्ति और एक 73 साल की जापानी महिला भी शामिल है। गर्मियों में एवरेस्ट के शिखर का तापमान औसतः -30 से -35 डिग्री तक रहता है। अगर आपको माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हो तो 11,000 अमरीकी डॉलर फीस नेपाल गवर्नमेंट को देनी होगी। दरअसल ये फीस 2015 के पहले 25,000 अमेरिकन डॉलर थी, लेकिन 2015 में नेपाल गवर्नमेंट ने ये फीस लगभग आधी से भी कम कर दी है। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए करीबन 2 महीनों तक का समय लगता है, जिसमें एक आदमी का खर्चा तकरीबन 85 से 90 लाख तक का होता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए गए हर 10 में से एक व्यक्ति वापस नहीं आता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हुए अब तक के लोगों ने वहां पर और बीच रास्ते में छोड़ी हुई कई चीजों से वह कचरा इकट्ठा हुआ है, जिसका वजन आज तक लगभग 120 टन तक पहुंच गया है। ये पहाड़ हर साल लगभग 2 सेंटीमीटर और ऊपर होता जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगर आपने अभी तक द नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियोस आपको मिलते रहे। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।